क्लास 11th बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मेरा तीसरा क्लास है। आज मैं आप सभी को टैक्सोनॉमी पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी दो शब्द से मिलकर बना है, टैक्सिस दूसरा नोमोस। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं। नोमोस का मतलब क्या होता है? लॉ। लॉ को हिंदी में क्या कहते हैं? नियम। देखिए, टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडला जी ने दिया है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए, थ्यूरिस इलामेंट्री डी ला बोटनी क्यू, और थ्योरी ऑफ इलामेंट्री बॉटनी क्यू नाम से जाना जाता है। अब देखिए, टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया है ये हमें पता हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? अब देखिए, टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लीनियर जी हैं। अब टैक्सोनॉमी की हमें क्या है? डिफिनेशन पढ़नी है। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? देखिए, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें उन नियमों का अध्ययन किया जाता है जिससे सजीवों को सिस्टमेटिक व्यवस्था में रख सके, उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, टैक्सोनॉमी के भाग, टैक्सोनॉमी के तीन भाग हैं। पहला पहचान, दूसरा नामकरण, तीसरा वर्गीकरण। अब देखिए, एक टॉपिक क्या है हमारा? जैव विविधता। अब देखिए, जैव विविधता के बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे। जैव विविधता, देखिए, जीवों के विभिन्न प्रकार। हम यहाँ पर जीवों के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम क्या वराइटीज के बारे में, प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। जीवों के 1.7 से 1.8 मिलियन होते हैं। अगर हमें लाख में इसको करना पड़े तो 17 से 18 लाख क्या होते हैं हमारे? जीव के प्रकार होते हैं जीवों के। अब देखिए, जो हमारा है जैव विविधता, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में पाया जाता है। और दूसरा कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? कोरल रिप्स में पाया जाता है। यह कोरल रिप्स कहाँ पाई जाती है? यह कोरल रिप्स समुद्री चट्टानों में पाई जाती है। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट पहचान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए, पहचान के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए, अगर आपके घर कोई लड़का पैदा हुआ है, तो पहले अगर लड़का पैदा हुआ है तो हम पहले क्या, पहले हम पूछते हैं क्या हुआ है, लड़का हुआ है। देखिए, जब लड़का पैदा होता है तो पहले हम लोग पूछते हैं वह लड़का है या लड़की। तो हमें पहले क्या पहचान करते हैं ना कि वह लड़का है कि लड़की। देखिए, पहचान के बारे में कितना पता चला। अब हम लोग पहचान की डिफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए, पहचान की डिफिनेशन क्या होती है? जैसे पहले खोजा जा चुका है अथवा नहीं। अगर हमें पहचान करना है किसी चीज में तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले देखेंगे वह पहले खोजा जा चुका है कि नहीं। देखिए, अब पहचान मतलब पहचान का पता लगाने के लिए पहले हम खुद से थोड़े ना पता लगा पाएंगे कि यह खोजा गया है कि नहीं। इसके लिए एक संस्था होती है, इसके लिए एक संस्था होती है। देखिए, अगर हमें वनस्पतियों का अगर पता करना होगा, पहचान उसका करने के लिए हमें पता करना होगा, तो पहले क्या है? ICBN। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नामन कल्चर। अब देखिए, अगर हमें जंतुओं के लिए पता करना है तो ICZN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामन कल्चर। अब देखिए, तीसरा क्या होता है? अगर हमें जीवाणुओं के लिए पता करना हो तो देखिए, आई सी
एनबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमन कल्चर बैक्टीरिया। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, समानताएं इनकी पढ़ेंगे। पहला, यदि समानता 97 से अधिक है, यदि समानता 97 से अधिक है तो क्या होगा, सेम स्पीसीज मतलब जाति क्या होगी, समान होगी। जाति समान होगा तो वंश भी क्या होगा, समान होगा। और दूसरी पॉइंट, यदि समानता 95% से 97% के बीच है तो क्या होगा, न्यू स्पीसीज नई जाति बनेगी। और बट सेम जीनस, बट क्या होगा, सेम जीनस मतलब वंश क्या होगा, वंश भी समान होगा। और तीसरी पॉइंट देखिए, यदि समानता 90% से कम है, यदि समानता 90% से कम रहेगी तो न्यू जीनस तो नया वंश बनेगा। अगर नया वंश बनेगा तो नई स्पीस भी बनेगी, मतलब नया वंश बनेगा तो नई जाति भी बनेगी। अब हम लोग अगली पॉइंट क्या पढ़ेंगे, नामकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाम कल्चर कहते हैं। देखिए इसको, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, देखिए, किसी भी जीव को एक वैज्ञानिक नाम देना जिसे पूरी दुनिया में एक नाम से जाना जाए उसे क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं। देखिए, और एक तो क्या हमारे वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस जी, इन्होंने इन्होंने नामन कल्चर को एक बैक्टीरिया, एक क्या है, सॉरी बैक्टीरिया नहीं था, बुक में क्या नॉर्मन कल्चर का पता लगाए थे, कब लगाए थे, 1751 में लगाए थे। दूसरा, पादपों का नामकरण किस में हुआ था, स्पेसिस प्लांटेरियम में हुआ था, कब हुआ था, 1753 में हुआ था। और किस बुक में हुआ था, हिस्टोरिका मकबुक में हुआ था। अगला तीसरा पॉइंट क्या है, जंतुओं का नामकरण किस में हुआ था, सिस्टेमा नेचुरे में हुआ था, कब हुआ था, 1758 ईस्वी में हुआ था। देखिए हम लोग को अब इतना पता हो गया, अब देखिए अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे, और अगर हमसे थोड़ा बहुत अगर कहीं गलती हो गई है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ओके बाय।